नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं क्रिकेट के इतिहास का वो मैच जब एक गेंद पर बने थे 286 रन। यकीन करना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है। हां, मैं जानता हूं कि आपको भी मेरी तरह इस बात पर यकीन नहीं होगा, मगर ये हकीकत है। क्योंकि आपको यही लगता होगा कि एक गेंद पर 6 रन से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर नो बॉल हो गई तो 7 रन मिल जाएंगे और एक गेंद फिर भी बची रहेगी। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक गेंद पर 286 रन भी बन चुके हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट का खेल बहुत ही मशहूर है। हालांकि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो लोग इस खेल के दीवाने हैं। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल भी माना जाता है, और एक बॉल में अगर विरोधी टीम को 10 रन भी चाहिए हो तो उम्मीद रहती है शायद एक नो बॉल हो जाए और उसी गेंद पर सिक्स पड़ जाए तो फिर एक गेंद केवल 3 रन ही बनाने होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट के इतिहास में एक मैच ऐसा भी था जब एक गेंद पर 286 रन बनाए गए थे। तारीख थी 15 जनवरी 1894। ये बात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 15 जनवरी 1894 को विक्टोरिया और स्क्रेच 11 के बीच बानवरी के मैदान पर एक मैच खेला जा रहा था। मैच की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने लंबा शॉट मारा और गेंद जाकर किसी पेड़ पर अटक गई। इसे जराय का पेड़ बताया जाता है। क्रीज पर दोनों बल्लेबाज लगातार दौड़ते रहे जब तक कि गेंद को ढूंढा और पेड़ से उतारा जाता। वो एक के बाद एक 286 रन भाग चुके थे। 6 किलोमीटर तक भागे खिलाड़ी। रन भागते भागते दोनों खिलाड़ियों ने इस दौरान क्रीज के बीचों बीच करीब 6 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। ये पेड़ मैदान के बीच में था और फील्डिंग टीम ने अंपायर से अपील की कि गेंद खोया घोषित कर दिया जाए ताकि बल्लेबाजों को रन लेने से रोका जाए। मगर एम्पायरों ने यह कहकर अपील ठुकरा दी कि गेंद पेड़ पर फंसी हुई दिख रही है, इसलिए उसे खोया हुआ घोषित नहीं किया जा सकता। इस मैच को लेकर यह भी कहा जाता है कि फील्डिंग करने वाली टीम ने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी भी लानी चाहिए थी, मगर कोई कुल्हाड़ी भी नहीं मिली। फिर किसी ने घर से राइफल मंगवाई और गेंद पर निशाना लगाकर गेंद को पेड़ से नीचे गिराया। जब गेंद नीचे गिरी तो फील्डिंग साइड इतनी हताश हो चुकी थी कि किसी ने गेंद को कैच करने की कोशिश भी नहीं की। तब तक क्रीज पर विक्टोरिया के बल्लेबाज 286 रन भाग चुके थे और इस टीम ने इतने ही रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी। एक गेंद पर 286 रनों का स्कोर अपने आप में रिकॉर्ड है। इस खबर का इकलौता सोर्स उस वक्त के अंग्रेजी अखबार पॉल मॉल गैजेट को माना जाता है। उसी के स्पोर्ट्स पेज पर ये अनोखी खबर छपी बताई जाती है। इस रिकॉर्ड को किसी कैमरे में कैद नहीं किया जा सका था, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। बहरहाल, एक गेंद पर सबसे ज्यादा 21 रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। 12 मार्च 2006 को हुए वनडे के सबसे जबरदस्त मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराया था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 434 रन बनाए थे। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट रहते हुए 438 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान 48वें ओवर की पहली गेंद पर 21 रन बने थे। रोजर टेलेमेचुस ने लगातार 4 गेंद नो बॉल फेंकने के बाद एक सही गेंद फेंकी थी। इस दौरान पहली बॉल पर 21 रन बने थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।